नहार और रूही की शादी। क्यों भगवान, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? जब मेरे और नहार की किस्मत में मिलना लिखा था तो एक दूसरे का साथ क्यों नहीं लिखा था भगवान? इतने खुश थे ना हम एक दूसरे की शादी को लेकर, क्यों क्यों मेरे साथ वो हादसा हुआ जिससे मेरे और नहार की जिंदगी एकदम से बदल गई? न जाने हमारी खुशी को किसकी नजर लग गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत प्यार, और अब भी करते हैं। मैं जानती हूँ नहार मुझसे प्यार करता है, मैं तो नहार से बहुत प्यार करती हूँ। उस एक्सीडेंट के बाद मेरा ठीक होने में इतना समय लग गया, इतना समय लग गया। न जाने नहार मेरे लिए कब तक इंतजार करता रहा, और शायद अब भी नहार को पता भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, रिकवर हो गई हूँ। और अब जब सच में मैं ठीक हो गई हूँ और नहार के पास आई हूँ, तो न जाने नहार मुझसे क्यों दूर जा रहा है। वो मुझसे दूर चला गया भगवान, नहार की कोई गलती नहीं। हमारी खुशी को किसी की बहुत जोर से नजर लग गई। अब मेरा नहार पे कोई हक नहीं, अब नहार पर हक किसी का है तो सिर्फ रूही दीदी का है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था कि नहार की शादी सिर्फ और सिर्फ रूही के साथ होगी। शायद हमारे किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा ही नहीं था। बहुत कोशिश की नहार को बताने की, लेकिन नहीं। अब तो ये तय हो गया कि नहार सिर्फ रूही दीदी के साथ ही शादी करेगा, और मैं खुश हूं। अपने किस्मत को मैंने स्वीकार कर लिया है कि यही है अब मेरी किस्मत। वो दोनों खुश रहे बस इतना ही चाहते हैं, कि मैं नहार से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी खुशी नहार की खुशी नहीं होगी। भगवान उन दोनों को हमेशा खुश रखिए, नहार और रूही दीदी को हमेशा एक दूसरे के साथ रखिए खुश।